नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल लाइक द हाइट ऑफ द इमेज इज़ ट्वेंटी सेंटीमीटर तो अब तक आपने डिस्टेंस का यूज़ करा अब हाइट से रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन आ गए लाइक like यहाँ पर गिवन है कि हाइट ऑफ इमेज जो है यहाँ पर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फोर्टी सेंटीमीटर नेक्स्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है फोर्टी सेंटीमीटर ऑल्सो इफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ वन ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्राम अ कंकेव मिररर तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखे रहते हैं तो ऑब्वियसली ये माइनस वन ट्वेंटी सेंटीमीटर आ जाएगा नेक्स्ट फ्रॉम अ कंकेव मिररर एक कनकेव मिरर में तो फाइंड द फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस यानी कि हमें जो बताना है वो है हमारा यहाँ पर वी कैलकुलेट करना है हमें और U कैलकुलेट करना है तो V नहीं U नहीं हमें यहाँ पर F कैलकुलेट करना है V और F नेक्स्ट अब अगर आप देखें इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा कितने केसेस ऐसे आते हैं कनके मिरर में सिर्फ एक केस ऐसा होता है कब होता है उसे आप ऊपर के क्वेश्चंस में देख सकते हैं हम दोबारा ड्रॉ नहीं करते लाइक ये वाला केस होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा इमेज जो है वो छोटी तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटी यानी कि ऑब्जेक्ट एक तरह से बियॉन्ड सी रखा है तो बियॉन्ड सी रखा है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अलग इमेज की डायरेक्शन अलग तो इमेज के आगे हम लिख देंगे माइनस ट्वेंटी क्योंकि इमेज नीचे की डायरेक्शन में है नीचे हम इसकी हाइट मेजर करेंगे और ऑब्जेक्ट के आगे लिख देंगे प्लस फोर्टी क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर होगी तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक like, मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारे पास दैट इज एच आई अपॉन एच ओ एच आई यहां पर है माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर्टी तो कट होके आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू अब मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके हम पहले तो कैलकुलेट करेंगे v फिर मिरर फॉर्मूले का यूज़ करके f तो मैग्नीफिकेशन आपने कैलकुलेट कर लिया आपको ये पता है कि मैग्नीफिकेशन माइनस वी अपॉन यू के भी इक्वल होता है तो यहाँ से वन अपॉन दैट इज माइनस वन अपॉन टू इक्वल आ जाएगा माइनस वी डिवाइडेड बाय माइनस वन टू ज़ीरो और कुछ चीज़ें यहाँ कट हो सकती हैं लाइक like माइनस से माइनस वन ट्वेंटी को हम टू से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटी तो V यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका माइनस सिक्सटी क्योंकि सिक्सटी यहाँ पर माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट तो V तो आपने कैलकुलेट यहाँ से कर ही लिया अब मिरर फॉर्मूले का यूज़ करके आप यहाँ पर एक तरह से F भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी है ये मिरर फार्मूला दैट इज़ वन अपॉन एफ़ इक्वल वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू नेक्स्ट मिरर फॉर्मूले में एफ़ तो आपको पता ही नहीं दैट इज़ वन अपॉन एफ इक्वल वन अपॉन माइनस सिक्सटी प्लस वन अपॉन माइनस वन ट्वेंटी तो ये आ जाएगा आपका नीचे एलसीएम वन ट्वेंटी और माइनस माइनस एक तरह से यहाँ पर हम प्लस ही कर देंगे और ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस टू माइनस वन दैट इज़ वन अपॉन एफ इक्वल माइनस थ्री अपॉन वन ट्वेंटी और यहाँ पर थ्री को हम वन ट्वेंटी से कट कर देंगे तो इन आ जाएगा नीचे फोर्टी दैट इज़ माइनस वन अपॉन फोर्टी लेकिन हमें तो यहाँ एफ़ कैलकुलेट करना है तो हम एफ़ का रेसिपोकल कर देंगे दैट इज़ वन अपॉन एफ़ का रेसिपोकल कर देंगे तो आ जाएगा माइनस फोर्टी सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ इज मिररर की हो जाएगी हमारे पास माइनस फोर्टी सेंटीमीटर और आप इन वैल्यूज़ को अब उस इमेज में इमेज फॉर्मेशन में पुट भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या सही है या नहीं वैसे सही ही होगा